हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आज आपका स्वागत है। और आज देखिए, मैं साड़ी से सूट बनाना दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये सूट मेरा है। ये मैंने नायरा कट भी बनाया है, प्रिंसेस कट भी बनाया है। देखिए कैसा लगे कमेंट में लिख के बताइएगा, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा मेरे चैनल को, नहीं किया है तो। ये देखिए, ये कपड़ा है, यानी कि साड़ी है ये, और अस्तर वाला कपड़ा। टॉप पार्ट में मैं अस्तर लगाऊंगी, नीचे में अस्तर नहीं लगाऊंगी। आप चाहें तो नीचे भी लगा सकते हैं, ऊपर भी लगा सकते हैं, लेकिन नीचे ज़रूरत नहीं है इतनी, इस वजह से मैं नीचे नहीं लगाऊंगी। ये मेरा ब्लाउज पीस है इसी साड़ी के साथ का, तो इससे मैं टॉप पार्ट और कटिंग करूँगी। ये देखिए, मैं अपनी साड़ी को नाप रही हूँ। जो मैं प्लाजो के लिए अपना कपड़ा निकाल रही हूँ, उसको मैं नाप के निकालूंगी, क्योंकि मेरा साइज 44 साइज है, तो उसके हिसाब से मैं निकालूंगी, और कहीं कम रह जाए इस वजह से मैं नाप के इसको मैं उसी हिसाब से निकाल के रख दूंगी। अलग इसको कट कर दूंगी, प्लाजो या पैंट कुछ भी बनाऊं उसके लिए। अभी मैं सोच रही हूँ क्या बनाऊँ, क्या अच्छा लगेगा इसके साथ, प्लाजो पैंट या प्लाजो। तो आप कमेंट में लिख के बताइएगा जरूर, क्या बनाऊँ मैं इसके साथ, क्या अच्छा लगेगा। ये देखिए, ये मैंने कट कर दिया और इसको अलग करके अभी रख दूंगी। और इसका मैं जो पल्लू का है, ये देखिए, ये फ्लावर बहुत ही बड़ा है, तो इसको भी मैं अलग निकाल दूंगी। और फ्लावर अच्छा भी लग रहा है, तो इसको मैं नाप के ही निकालूंगी, आगे का पर्दा बन जाए कुर्ते का, ऐसा मैं इसको बनाऊंगी। और बाकी का कॉटन का कपड़ा लेके पीछे का बना लूंगी। ये देखिए, ये पूरा मैं इसको कट कर दूंगी। इसको भी मैं नाप के रख रही हूँ मेरे साइज के हिसाब से, 12 के हिसाब से रख रही हूँ। 10 पे सिलाई आती है, 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है मैंने। ये देखिए, ये मैं कपड़ा कट हो गया, इसको अलग रख दूंगी दोनों को, कुर्ते का और पायजामा का। अब इसको मैं कटिंग करूंगी। ये 4 लेयर में मैंने रखा है कपड़ा, इस 4 लेयर को मैं तय करके नहीं, और इसको बराबर से रख के नहीं, और इसको नापूंगी। हमने ऊपर का पार्ट रखा है 15 इंची, तो हम 15 इंची छोड़कर और इसको हम नाप लेंगे, जितना भी बैठेगा उतना हम नाप देंगे। ये देखिए, 15 पे मैंने इंची टेप पकड़ लिया और इसको 50 पे निशान लगा दूंगी। मैं इसकी लेंथ अभी लंबाई ज़्यादा रख रही हूँ, पहले वाले की मैंने 45 रखी थी और इसकी मैं 50 रख रही हूँ, तो ये मैं 50 इंची पर निशान लगा दिया। और इसको मैं कट कर दूंगी यहीं से, निशान लगा के सीधा, दोनों साइड से निशान लगा के नहीं, सीधा पकड़ के इंची टेप को, और फिर मैं निशान कट कर दूंगी इसको। और जो ऊपर का कपड़ा जो बचेगा, इससे मैं आगे के पार्ट काटूंगी और मैं बाजू काटूंगी। अब ये देखिए, टॉप पार्ट की मैं पीछे की अस्तर से कटिंग कर रही हूँ। ये मैं 17 इंच पर निशान लगाया है। निशान क्या है, कपड़ा ही मेरा इतना ही बड़ा था, ये तो ये बचा हुआ कपड़ा था, इसी में से मैं अस्तर काट रही हूँ। ये देखिए, मैं 7 इंच पर कंधे लिए हैं और 7 पर ही मैंने आर्म होल लिए हैं। और ये मैं सेंटर निकालूंगी इसका, बीच का 7 का 3.5 आता है, तो 3.5 पर ये निशान लगा के मैं इसको यहाँ से गुलाई मारूंगी। और ये 1.5 इंच का है, तो इससे ये निशान, दोनों निशान लगा लेते हैं तो अच्छे से गुलाई आ जाती है और कोई गड़बड़ नहीं होती है। और ये मैं अपनी फिटिंग पे निशान लगा रही हूँ 10 पे, फिर ये 2 इंच एक्स्ट्रा लगाया है मैंने। और नीचे का भी मैं पूरा ही रखूंगी, क्योंकि मैं 1.25 इंच की इसमें प्लेटें डालूंगी, 2 प्लेटें पड़ेंगी, तो इस वजह से मैं जो जितना भी ये कपड़ा एक्स्ट्रा है उसको पूरा रख दूंगी मैं, इसमें से बिल्कुल नहीं काटूंगी, जैसा ही है वैसा ही रख दूंगी। ये प्लेट का निशान लगा रही हूँ 4.5 पर और ऊपर की साइड 5 पर। इसको मैं 1.25 इंच पे ऐसे सिलाई मार के नहीं, इसकी प्लेट डर जाएंगी, और इसको कट करके नहीं, फिर हम आगे के हिस्से को दिखाऊंगी मैं, प्रिंसेस कट में कैसे काटूंगी। ये तो पीछे का है, सादा से जैसा हम काटते हैं वैसा ही इसको कट कर देंगे पीछे वाले को। तो ये देखिए, ये कट गया, इसको ये कट गया। अब इसके हम आगे के काटते हैं। ये देखिए, ये प्रिंसेस कट पीस
जो फरमे मैंने काट रखे हैं पहले ही, इसी को मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। ये 5:30 पे यहाँ से निशान लगाया है, जैसे पीछे का पल्ले में हम काटते हैं वैसा ही काटते हैं पहले इसको हम, और इसको हम थोड़ा बड़ा रखते हैं 2 इंची बगल से। तो यहाँ से हमने आधा आधा इंच दोनों साइड में एक्स्ट्रा काटा है और फिर हमने फरमा काट दिया था। यहाँ से 4.5 इंच लिया और ये मैंने 2.5 इंच का गैप रखा हुआ है। ये 2.5 इंच का यहाँ से जो काटते हैं हम अखबार या पेपर, उसको हम फेंक देते हैं और फिर इससे हम फिटिंग लगाने का निशान लगाते हैं। देखो यहाँ से मैंने आधा आधा इंच एक्स्ट्रा निशान लगाते हैं दोनों साइड से, क्योंकि ये सिलाई में आ जाती है आधा आधा इंच, तो इस वजह से इसको मैं करके, और देखिए ऐसे करके बराबर आएगी जो हमने एक्स्ट्रा जो बोली ना मैं 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे नीचे साइड से, तो वही हम 2.5 इंच उसमें ले लेते हैं। तो इसी से हम कट कर देते हैं इसको रख के नहीं, पिन लगा के नहीं, और फिर हम इसको कट करके फिर कपड़े में जोड़ते हैं। फिर जोड़ने के बाद पूरा मैं कटिंग दिखाऊंगी इसमें, वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। आपकी समझ में ना आए तो कमेंट में लिख के बताइएगा, कोशिश में पूरी करूंगी कि आपको समझा सकूं। ये देखिए इसको मैं सबको ऐसे ही कट कर दूंगी अभी, और कट करने के बाद फिर मैं इसमें जो साड़ी है मेरी उससे मैं कच्चा करके भी जोड़ सकते हैं, पिन लगा के भी जोड़ सकते हैं। और नए हैं तो वो तो आप उनको तो एक्सपीरियंस होगा ही कि कैसे करते हैं, लेकिन पुरानों के लिए जो नए हैं, सॉरी मैं गलत बोल गई, जो नए हैं उनके लिए बोल रही हूँ, पिन लगा के या फिर कच्चा करके नहीं सिलाई करें, नहीं तो कपड़ा इधर उधर चला जाता है तो फिर टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। और जो पुराने हैं उनको तो एक्सपीरियंस होगा ही कि कैसे करते हैं। ये देखिए ये मैं पूरा कट करके नहीं, दोनों को कट करके दूंगी, ऐसे इसको कर दूंगी। दोनों को कट करने के बाद फिर साड़ी में दिखाऊंगी। और दोस्तों मेरा चैनल ये गार्डनिंग का है, अगर आपको गार्डनिंग पसंद है तो मेरी वीडियो जरूर देखिएगा, और पौधों के बारे में, प्लांट बनाने के बारे में, टोकरी भी बनाई है मैंने, मैंने सब तरह की वीडियो डाली हुई है, और कटिंग्स कैसे लगाते हैं, कबाड़ से जुगाड़ भी कैसे बनाते हैं, ये सब मेरे चैनल पर पड़ी हुई है, जाकर आप एक बार विजिट करिएगा। ये देखिए ये कट गई, मेरी कटिंग हो गई, अब मैं इनको पिन को रख दूंगी, अब दोनों को अलग अलग कर दूंगी एक एक पार्ट दोनों के। ये देखिए ऐसे जोड़ने हैं ये, और इनको ऐसे एक एक पार्ट करके नहीं अलग अलग रख दूंगी, और इनको अस्तल में जोड़ के फिर सिलाई लगाएंगे। ये अस्तल है, अस्तल नहीं ये कपड़ा है मेन फैब्रिक, इसमें मैंने ये देखिए ये सब मैंने पहले ही रख लिए हैं, कहीं कपड़ा कम पड़ जाए इस वजह से मैं पहले रख के देखती हूँ फिर कटिंग करती हूँ। लेकिन मैंने क्या किया, ये काटते काटते आइडिया आया कि मैं जो साड़ी में से बचा हुआ है कपड़ा उससे मैं जो ये लंबे वाले पार्ट है ये आगे वाले पार्ट मैं साड़ी से बनाऊंगी, तो इस वजह से अभी मैं रखे हैं, लेकिन मैंने ये कट नहीं किए, मैं कट इनको करूंगी पीछे के और 2 पार्ट आगे के, और 2 पार्ट फिर मैं साड़ी के कपड़े से करूंगी। ये तो ब्लाउज वाला कपड़ा है, ये देखिए ये मेरी बेटी थी जो काट रही थी अभी, वो भी मेरी धीरे धीरे मदद करती है, मेरे कामों में हाथ बटाती है। देखिए ये कट गया, ये पीछे का कट गया, गला भी इसका काटा नहीं है, गला काटूंगी तब मैं आपको दिखाऊंगी, सिलते समय गला भी दिखाऊंगी। ये देखिए अब इसको, तब मैंने दिखा के रह गई, काटा नहीं था, अब इसको कपड़े को काट देते हैं हम दोबारा से निशान लगाने, क्योंकि मेरा निशान मिट जाता है, ये चौक मेरा पीले कलर का है तो दिखता भी नहीं है इतना सफेद में, तो फिर मैं इसे दोबारा से निशान लगा रही हूँ, और निशान लगाने के बाद इसको कट कर दूंगी। और दोस्तों जो मैंने व्हाइट वाला पाजामा सिला था, पैंट प्लाजो, तो वो पैंट मैं इसी के साथ पहन के दिखाऊंगी, बताइएगा कैसा लगा।
और वीडियो मैंने डाल रखी है उसकी, देखना चाहें तो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर। बहुत ही आसान तरीके से वो मैंने कटिंग और स्टिचिंग दोनों दिखाई है उसमें। ये देखिए, मेरे पास फंटी नहीं थी तो मैं तो इंच टेप की सहायता से ही निशान लगाती हूँ। मेरे पास सामान बहुत ही कम ही रहता है। दोस्तों वीडियो जरूर पूरी जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और देखिए, इस कपड़े को मैं अलग कर दूंगी। ये चार लेयर में रखा था, वो एक साइड का तो कटा हुआ ही था, एक साइड का बंद था, उसको मैं अलग कर दिया। अब देखिए, ये मैं बाजू बना रही हूँ, मतलब बाजू कटिंग कर रही हूँ इसी कपड़े से। ये बाजू भी मैं लंबी फूल जैसे, ये फूल पूरा लंबा है, ऐसा ही काटूंगी। और ये साइड की जो किनारी है इसको मैं ऊपर साइड में रखूंगी, इस पर लैस लगाऊंगी। देखिए, बाजू कट गई। अब इस बचे हुए कपड़े में से आगे के पीस काटूंगी। मेरी साड़ी पूरी यूज आ गई, थोड़ी सी भी नहीं बची। ये जो कटिंग है ये भी सब मेरे इसी में ले लिया। देखिए दोस्तों, काटते समय आप पिन लगा सकते हैं कपड़ा अगर आपका उड़े तो। मेरा कपड़ा तो एकदम कॉटन का है, पतली वाली कॉटन है, एकदम चिपक जाती है ये तो। मेरा तो अच्छे से कट गया था, लेकिन आप लोग का फिसलता हुआ कपड़ा हो तो आप पिन जरूर लगाइए। पिन लगाने के बाद फिर काटिए, क्योंकि कपड़ा इधर उधर फिसल जाता है। बड़ा कट जाए कोई बात नहीं, लेकिन छोटा कट जाता है तो कपड़ा पूरा खराब हो जाता है। तो इस वजह से पहले ही आप सावधानी से काटिए, उल्टा सीधा भी देखिएगा और छोटा बड़ा भी देखिएगा, और फिर पिन लगा के फिर लगा दीजिए। इस प्रिंसेस कट में उल्टे सीधे में काफी भूल हो जाती है, इस वजह से रख रख के देख के नहीं, दोनों पार्टों को मिला के नहीं, कहाँ ये सीधा है, फिर ही इसको कटिंग करिए और फिर ऐसे ही इसको जोड़िए रखने के बाद ही। ये देखिए, ये मेरे कट गए, ये मेरी कटिंग पूरी हो गई। अब इसको देखिए, इसको अलग कर दूंगी यहाँ से, और यहाँ पे गले पे सिलाई मार देंगे ऐसे ही, गले गले की साइड में मार देंगे और आगे की साइड में जो सीधी साइड है, दोनों दोनों पार्टों में सिलाई मारते हैं। अब ये देखिए, ये मैं साइड तक नहीं कर रही हूँ, पीछे का पार्ट है, ये गला काट रही हूँ अब मैं इसका। ये सेंटर निकाल के इसका निशान लगाऊंगी। ये देखिए, पूरे पे निशान लगा दूंगी। और फिर मैं देखिए कितने पैसे बचाती हूँ। ये मैं अखबार से गला काटा है मैंने, सिर्फ अखबार मैंने इसमें लगाया, दिखाने के लिए लगाया है, सेंटर लाने के लिए। इसकी सिलाई सीधी आए इस वजह से, और इसको फिर मैं अखबार को हटा दूंगी। ये देखिए, ये नाप तोल करके नहीं मैं निशान लगा रही हूँ, यहीं से सिलाई मारनी है, अखबार के ऊपर नहीं लगानी है, नीचे ही लगानी है। ये देखिए, सेंटर देख रही हूँ, बराबर सेंटर है, तो इसको बराबर करके नहीं पिन लगा दूंगी मैं, इसमें बराबर करके मैं पिन लगा दूंगी। पिन लगाने के बाद फिर सिलाई लगाऊंगी, और सिलाई लगाने के बाद इसको अखबार को हटा के फिर सीधा करूंगी। देखिएगा ऐसे गोल अंदर की साइड में सिलाई करनी है। ये देखो, मैंने सिलाई कर ली और अखबार भी हटा दिया, सिर्फ कपड़ा ही कपड़ा दिखाई दे रहा है अभी, देखिए। और इसको मैं कट कर दूंगी, और कट करने के बाद छोटे छोटे कट भी लगा लूंगी बीच में से सीधा करने के लिए। ये देखिए, कट भी लगा लिए, अब मैंने ये सीधा भी कर लिया। अब इस पर एक सिलाई फेर दूंगी। ये सिलाई करने से एकदम सेट बैठ जाता है गला, और ये ऊपर भी नहीं उठता है, और जो अंदर का कपड़ा दिखता है कभी कभी ऐसे थोड़ा बहुत इधर उधर खिसक जाए तो ये खिसकेगा भी नहीं। ये देखिए, ये देखिए सिलाई मेरी फिनिशिंग अच्छी आती है। उसकी सिलाई हो गई, अब इसकी भी सिलाई हो गई मेरी। देखिए, जो अभी बोल रही थी मैं गले की साइड में और आगे की साइड में सिलाई करके नहीं, इसको सीधा करके आपको दिखा रही हूँ। और यहाँ पे फिर मैं लैस लगा दूंगी इस पे। देखिए, ये गला हो गया, और ये आगे की पट्टी है जो इन दोनों के बीच में, ऐसे करके नहीं लैस लगा दूंगी दोनों पे।
यहाँ पे मैंने सिलाई डाल ली है पहले से ही। अब उधर की साइड में दोनों पार्टों को जोड़ते हैं। जो दो पार्ट और हैं इसके उनको जोड़ के दिखाती हूँ। चलिए मशीन पर ये देखिए, ये मैंने कच्चा कर लिए थे धागे से। देखिए आप जो धागा दिख रहा है इसे से मैंने कच्चा कर लिए पहले। अब इनको मैं ऐसे एक बार नाप लें जरूर कि छोटा बड़ा तो नहीं है, और जो छोटा हो तो उसे ऊपर साइड रखिए और बड़ा है उसे नीचे की साइड में रखिएगा। मेरे तो बराबर के ही हैं तो मेरे सही आ जाएंगे। ये देखिए थोड़ा बहुत छोटा बड़ा रह जाता है कटिंग के बाद, तो उसे ऐसे सिलाई करके नहीं और कर दीजिए। अब मैं ऊपर से एक सिलाई और मार रही हूँ इसमें फिनिशिंग के लिए, अच्छी आए और हुदरेगी भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे खिंचाव पड़ता है पहनते समय तो वो जल्दी उधड़ने का डर रहता है। एक सिलाई मारते हैं तो इस पर मैंने डबल सिलाई मार दी है। ये देखिए सिलाई हो गई, अब ये बनके तैयार हो गए दोनों पार्ट। अब यहाँ पे मैं लेस लगा दूंगी। अभी पहले मैं इसका पीछे का पार्ट जोड़ लूंगी फिर लेस लगाऊंगी। ये देखिए ये मैं पीछे का पार्ट जोड़ के नहीं, और इसका मैं आगे के मैंने वो काटे नहीं थे। ये देखिए ये तिरछा काट रही हूँ मैं, जो एक इंच ऊपर से निकालते हैं, और वो मुड्डे भी काट लिए मैंने आधा इंच एक्स्ट्रा काटते हैं जो। और ये देखिए मैं लैस भी लगा ली और ये तैयार हो गया। अब इसमें मैं जो प्लेटें डालूंगी, जो पर्दे काटे मैंने उसमें प्लेटें डालनी है छोटी छोटी सी। तब इसको प्लेट डाल के नहीं और फिर दिखाती हूँ उस पर। देखिए इसको उल्टा रखते हैं और इधर से रख के नहीं, कपड़े को उल्टा रखेंगे और टॉप पार्ट को सीधा रख के नहीं, और इस पर फिर प्लेट डालेंगे। और इसका सेंटर निकालना बहुत जरूरी है, सेंटर निकाल के नहीं ही कट मार के नहीं, सेंटर के ऊपर सेंटर आए तो दोनों साइड में कपड़ा बराबर आएगा। ये देखिए ये प्लेट, मैं इसमें प्लेट पहले ही डाल रही हूँ। आप चाहें तो प्लेट एक साथ भी डाल सकते हैं, लेकिन बिगनर है तो पहले प्लेट डालें उसके बाद जोड़ें तो अच्छा रहेगा। मैंने ये दोनों तरीका से ही जोड़ा है, एक साइड तो मैंने प्लेट डाल के नहीं जोड़ा और एक साइड मैंने एक साथ ही जोड़ा है। इसको दोनों को जोड़ के नहीं सिलाई लगा के नहीं। ये देखिए हो गया तैयार। अब इसमें बाजू भी लगानी है, बाजू लगा के, और मेरा सूट तैयार है। और बताइएगा कैसा लगा कमेंट में लिख के। इसकी फिटिंग दे दी और सिलाई मार दी चारों तरफ। ये देखिए ये सिलाई और ये कट जो है, मैं बोल रही थी नारा कट, यही है जो है। और देखिए कैसा लगा, ये पतली वाली लैस है। ये देखिए ये पैंट है जो मैं बोल रही थी, इसका घेर देखिए कितना सारा है। थैंक यू।